नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपको ये बताऊंगा कि लेकर एंटीना का यूज़ किस तरह से करते हैं। लेकर एंटीना बहुत कॉमन सा नाम है, जिसमें कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम वाइब्रेशंस को चेक करते हैं। कोई भी हिडन वाइब्रेशन जिसका हमें पता नहीं होता, उसको हम लेकर एंटीना से चेक करते हैं। लेकर एंटीना बहुत सी कंपनीज का मिलता है, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक्मोस कंपनी का एक लेकर एंटीना। इसको यूज़ करने का आसान तरीका, लेकर एंटीना हाथ में लेंगे हम, और इसको इसमें क्या होता है कि लेकर एंटीना में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी फ्रीक्वेंसीज बनी हैं, ये ऊपर से नीचे तक बढ़ते हुए क्रम में। इसमें जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी है वो 17,600 बोबीस एनर्जी। इस लेकर एंटीना को पकड़ने का जो सही तरीका होता है वो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको, ये जो इसका कर्सर है, इस कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। ले जाने के बाद इसको चेक करने के लिए इस तरह से असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद में अगर हमें कोई भी जगह चेक करनी होती है तो वहाँ पर हमें इसको अपने फिंगर्स में इस तरह से टाइटली पकड़ना होता है। जब फिंगर्स में टाइटली पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद इसका जो नेचुरल मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हमें कहीं लेकर एंटीना की प्रैक्टिस करनी होती है, देखने में ये इंस्ट्रूमेंट जितना सिंपल है, यूज़ करने में उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका जो चलने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो ऐसा है जैसे गूंगे की भाषा। इसका जो एक हल्का सा जर्क जहाँ पर आता है वहीं पर आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दिखाता है। ज़मीन के नीचे के जितने वाइब्रेशंस हैं वो सब चेक करते हैं इससे। हम छुपी हुई जो एनर्जी होती है वो इससे मालूम पड़ती है। ह्यूमन एनर्जी जो है, ऑरा है, वो चेक होता है। इससे और भी बहुत सी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए जैसे आपने देखा कि मैंने अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है, पकड़ने के बाद इसका एक नेचुरल मूवमेंट होता है। नेचुरल मूवमेंट को अगर आप समझ लेंगे तो लेकर एंटीना को यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, होल्ड करने के बाद हमें एक फ्रीक्वेंसी इसकी सेट करनी पड़ती है। किस फ्रीक्वेंसी पर हम कहाँ सेट करते हैं, जैसे कि जो जनरल फ्रीक्वेंसी है, अभी आपने देखा मैंने जनरल फ्रीक्वेंसी पर इसको सेट कर लिया, और सेट करने के बाद में इसको मैंने होल्ड किया। होल्ड करने पर मैं इस लैंड पर चलूँगा और ये देखूँगा कि यहाँ पर इस अर्थ के नीचे कहाँ पर नेगेटिव लाइन्स हैं। जैसे हार्ट में लाइन पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर मैंने अभी लेकर एंटीना को सेट कर लिया। सेट करने के बाद जब हम चलेंगे तो चलने से हमें मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर नेगेटिव, कहाँ पर पॉजिटिव लाइंस बिछी हुई हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लेकर एंटीना ये सडन यहाँ पर अपना मूवमेंट शो करता है। जहाँ लेकर एंटीना का मूवमेंट शुरू हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर है। इसकी कौन सी फ्रिक्वेंसीज किस काम आती हैं ये मैं आपको पार्ट टू में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।